नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप इज 400 हर्ट्ज। पहली बात तो जैसे ही क्लोज पाइप ऐसा सुना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वी बाय 4L, और अगर ओपन सुना तो वी बाय 2L, ये क्लियर होना चाहिए। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 400 हर्ट्ज। कौन सा पाइप है? क्लोज पाइप है। इफ 1/3 ऑफ द पाइप इज फिल्ड विथ वाटर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द पाइप विल बी निगलेक्ट एंड करेक्शन। एंड करेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है, एंड करेक्शन होता है। दूसरी बात यह है कि क्लोज पाइप में सेकेंड हार्मोनिक कभी होता नहीं है, या तो उन्होंने पूछना चाहिए था थर्ड हार्मोनिक, या तो उन्होंने पूछना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन। तो ये करेक्ट क्वेश्चन ही गलत है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि क्लोज पाइप में आपको याद है ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो या तो उन्होंने पूछना चाहिए व्हाट इज द फर्स्ट ओवरटोन, या तो उन्होंने पूछना चाहिए व्हाट इज थर्ड हार्मोनिक, दोनों में से एक चीज। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा फर्स्ट ओवरटोन। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में करेक्शन भी समझने आने लग जाएगा अपने आप। क्लोज पाइप बोला तो बस बात खत्म, एन 3N 5N 7N, कोई सेकंड हार्मोनिक होता नहीं वहां पे, वहां पे थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, फिर सेवेंथ हार्मोनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टू स्टार्ट विथ हमको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दिया था, कितना दिया था? 400 हर्ट्ज दिया था, लेकिन ये होता है वी बाय 4L, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाइप भी था L, यहाँ पे लेंथ ऑफ पाइप कितना था? L था, तो लेंथ ऑफ पाइप था L, लेकिन बाद में उन्होंने बोला है कि 1/3 ऑफ द पाइप इज फिल्ड विथ वाटर। तो अगर 1/3 ऑफ द पाइप, इसको अगर आप पानी से भर रहे हो तो एयर कॉलम के लिए कितना बचा है? 2/3, तो ये L बाय 3 तो गया पानी में, तो एयर कॉलम का वाइब्रेशन कहां से आएगा? अब ऊपर के रिमेनिंग पार्ट से कहां से आएगा? 2L/3 से। और आपको पूछा क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। फिर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ओवरटोन इज 3 times ऑफ फंडामेंटल, लेकिन ये फंडामेंटल और वो फंडामेंटल में डिफरेंस है, इसमें बोल दूंगा n डैश। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि लेंथ पे सॉरी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लेंथ कितना था? L, वहां पे कितना है? 2L/3, that will be v upon 4L। यहाँ पे एयर कॉलम का लेंथ कितना है? हाँ, तो v upon 4L, वहां पे v upon 4L, लेकिन L डैश मतलब कौन है? 2L/3 है, by 3 है, तो 3 कहाँ गया? ऊपर गया। 3 into 3 कितना है? 9/8, मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा 2। मैं इसको ऐसा अलग से क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, क्योंकि v by 4L कितना है? 400 है। तो सीधा सीधा 3 into 3 और ये 2 को अलग कर लोगे तो बन जाएगा v by 4L into 9/2, तो 9/2 into 400, मतलब 1 जा और कितना? 200 जा। What is 200 into 9? 1800 hertz। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन होना चाहिए 1800 hertz। तो 1800 हर्ट्ज है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड सेम डायामीटर। सेम डायामीटर बोल के हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि डायामीटर सेम है तो एंड करेक्शन सेम है। In which the air column vibrates with fundamental frequencies N1 and N2 respectively, when both pipes are joined to form a single pipe, its fundamental frequency will be, जब दोनों पाइप को join करते हो to form a single pipe, तो उसका fundamental frequency कितना है? तो हमारे पास दो pipes है, remember, हमारे पास दो pipes है, दोनों का length अलग अलग है लेकिन दोनों का diameter same है। तो ऐसा है, दोनों का लेंथ अलग अलग है लेकिन दोनों का डायमीटर क्या है? सेम है। तो हमारे पास ऐसे दो पाइप्स हैं, ये हो गया पाइप नंबर 2। इसका लेंथ मैं मान लेता हूं L2, ये हो गया पाइप नंबर 1। इसका लेंथ मैं मान लेता हूं L1, इसका फ्रीक्वेंसी है N1, इसका करेक्टेड लेंथ है L1।
यहाँ पे करेक्टेड लेंथ लिखो या सिर्फ लेंथ ऑफ पाइप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि समझ में आ जाएगा लेंथ लेंथ कैंसिल होने वाला है, बाद में जाके लेंथ कैंसिल हो जाएगा, लेंथ डिसअपीयर हो जाएगा इक्वेशन से। इसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है एन टू और इसका लेंथ है एल टू। यहाँ तक क्लियर? ये दो इंडिविजुअल पाइप है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों पाइप को ज्वाइन कर दें टू फॉर्म अ सिंगल पाइप, तो इफ आई ज्वाइन दीज टू पाइप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पाइप, तो आई कैन कंबाइन दीज टू पाइप्स एंड आई कैन मेक देम एज अ सिंगल पाइप, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये दो पाइप कंबाइन होके बन गए सिंगल पाइप। तो अभी कम से कम आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो सिंगल पाइप है इसका लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2। तो यहां से पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये ओपन पाइप है तो V/2L1, तो L1 = V/2 × N1 इक्वेशन नंबर 1। ये N2 = V/2L2, तो L2 = V/2N2, तो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 और 2 सब्सटीट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 L L1 V/2N1 + V/2N2 क्या कॉमन निकलेगा? V/2। तो L = V/2 कॉमन 1/N1 + 1/N2 क्रॉस मल्टीप्लाई N2 + N1 / N1 × N2। क्या फाइंड करना था हमको? जो पाइप आपने नया बना लिया ज्वाइन करके उसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड करना था, यही पूछा है ना। व्हेन बोथ पाइप्स आर ज्वाइन टू फॉर्म अ सिंगल पाइप इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला? V/2L। तो यहाँ पे भी क्या करना है? V/2L, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, एल को वहां शिफ्ट कर दो, एल को वहां शिफ्ट कर दो, N1 × N2 यहाँ पे आ जाएगा, N2 + N1 आ जाएगा। ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? V/2L, सिर्फ एल को यहाँ शिफ्ट किया, N1 × N2 न्यूमरेटर में गया, N2 + N1 डिनोमेटर में आया, ये बन गया फंडामेंटल। तो कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर D, N1 × N2 / N1 + N2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज लर्न समथिंग। अब ये जो हमने सॉल्व किया, एक चीज आपको यहां से समझ में आई होगी कि जब दो पाइप सीरीज में लगाए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला जो बना उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पाइप्स इन सीरीज का फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो दो पाइप अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी उसका हो जाएगा 1/N1 + 1/N2। तो करके देखो, N2 + N1 / N1 × N2 तो N = N1 × N2 / N1 + N2, तो डायरेक्टली ही सॉल्व हो जाता है, सिंपल करेक्ट। तो तीन पाइप होते तो 1/N1 + 1/N2 + 1/N3, और अगर पाइप्स को पैरेलल में लगाओगे तो N1 + N2, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय Y = A sin 2π BT − 3x। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी इफ। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। हमारे पास एक वेव है जिसका इक्वेशन है Y = A sin 2π BT − 3x। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो Y = A sin 2π NT − x/λ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, ये गिवन इक्वेशन है इक्वेशन 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। तो इफ यू कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2,
सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू इट इज वेरी क्लियर कि एम्पलीट्यूड इक्वल टू स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू वन बाय लैम्डा, करेक्ट। अब आगे क्या बोला है, आगे आपको बोला है द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी, मतलब थोड़ा सा बेसिक्स। जब एक सिंपल हार्मोनिक वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होता है तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो व्हेन द वेव प्रोपोगेट्स ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो ये जो बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो पार्टिकल का कौन सा वेलोसिटी मैक्सिमम इज टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, इज टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। लेकिन पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, ए ओमेगा। क्या होता है वो, ए ओमेगा। और वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होता है, एन लैम्डा, करेक्ट। ए ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, टू पाई एन इक्वल टू टू एन लैम्डा, एन एन टू टू कैंसल, तो क्या आ गया, ए पाई इक्वल टू लैम्डा, तो ए पाई इक्वल टू लैम्डा, ए पाई इक्वल टू लैम्डा। लेकिन ए क्या था, स्मॉल ए, और लैम्डा क्या है, वन बाय सी, तो ए है स्मॉल ए और लैम्डा क्या है, वन बाय सी, तो ए पाई इक्वल टू वन बाय सी। ए पाई अगर वन बाय सी है तो सी कौन है फिर, वन बाय ए पाई, तो सी क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए पाई, तो सी इक्वल टू वन अपॉन ए पाई, ऑप्शन नंबर सी, सी इक्वल टू वन अपॉन ए पाई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फंडामेंटल मोड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव टू रीच अप टू द क्लोज्ड एंड ऑफ अ पाइप फिल्ड विद एयर इज 3 सेकेंड्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सब डिपेंड करता है कि तुमको कॉन्सेप्ट कितना पता है उसके ऊपर। पाइप कौन सा है, क्लोज्ड पाइप है। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाइप में, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाइप में कितने नोड्स कितने एंटी नोड्स, वन नोड एंड वन एंटी नोड, हाफ लूप ही बनता है इसमें, बराबर। अब आपको पूछा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेयर टी इज अ टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच टू द क्लोज एंड। यहाँ पे आप एक ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से वेव जनरेट करते हो, वो वेव ओपन एंड से क्लोज एंड तक आने में टी टाइम लगा देता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो तीन स्टेप का आंसर है इसका, यू हैव टू डेवलप थिंकिंग प्रोसेस के फ्रीक्वेंसी कहाँ से लाएंगे। बेस्ट थिंग इज वी इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि वेव है, एन इक्वल टू वी बाय लैम्डा, वेयर वी इज वेलोसिटी। तो इफ आई स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम। लेकिन ये एल क्या है, एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस है, और यह कितना होता है, लैम्डा बाई फोर होता है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, लैम्डा बाई फोर, और टाइम कितना लगा, टी। तो ये लैम्डा शिफ्ट कर देंगे, ये लैम्डा बाई फोर है, लैम्डा को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो वी बाई लैम्डा इज वन अपॉन फोर टी, बट वी बाई लैम्डा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, बट वी बाई लैम्डा इज फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी कितना आ गया, वन अपॉन फोर टी, तो ये क्या आ जाएगा, फोर टी रेस टू माइनस वन, याद रखना 40 वोल रेस टू माइनस वन है वो, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ पे ऐसा आना चाहिए 40 रेस टू माइनस वन, वोल रेस टू माइनस वन, आंसर में क्या दिया है, 40 रेस टू माइनस वन, ऐसा नहीं है वो, तो ऑप्शन नंबर डी बट विथ अ स्मॉल करेक्शन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग, थोड़ा सा प्रिंटिंग का एरर है यहाँ पे, और ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग, द लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 10^-3 किलोग्राम पर मीटर, द इक्वेशन ऑफ वेव इज y इक्वल टू 0.05 साइन ऑफ x प्लस 15 t, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर, t इज इन सेकेंड, द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, लीनियर मास डेंसिटी कितना है 10^-3 किलोग्राम पर मीटर, इक्वेशन ऑफ वेव कितना है 0.05 साइन ऑफ x प्लस 15 t, मतलब 15 t प्लस x। आपको पूछा है व्हाट इज टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, v इज इक्वल टू रूट ऑफ tym, बराबर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, v स्क्वायर इक्वल टू tym, तो t इक्वल टू mv स्क्वायर, बराबर m दिया है, v मिल गया तो हो गया काम, v कहां से मिलेगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, तो यू शुड नो y इक्वल टू a sin, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के 10 या 12 मैंने फॉर्म बताए थे, मैंने इसलिए बताया था कि एक एक फॉर्म पता होना चाहिए, ईच फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट, भूल गए तो भूलना नहीं, ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है ये, वेयर के, अभी के तो पता ही नहीं होगा, के को बोलते हैं वेव नंबर, ये होता है 2π/λ, ये फॉर्म था, नहीं तो मैं आपको वेरीफाई करके था तो यही था, तो y इक्वल टू ए साइन व्हाट इज ओमेगा 2πn प्लस के एक्स व्हाट इज के 2π/λ इनटू टी, 2π कॉमन, तो ए साइन 2πnt प्लस ये x है प्लस x/λ, तो बराबर है ना, ये तो इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन 2πnt प्लस x/λ, प्लस मतलब वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और माइनस मतलब वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो हमने जो इक्वेशन लिखे थे वो सब थे फॉर वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, सिर्फ बीच में प्लस मतलब वेव इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, तो मैंने इसलिए बोला कि तुम आप लोगों को फॉर्म पता होना चाहिए, आपका बाई डिफॉल्ट माइंड सेट होता है ये ए साइन 2πnt माइनस x/λ, अरे तो ठीक है लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए, ज्यादा सिंपल है ये, व्हाट इज के 2π/λ। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेते हो, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हो तो स्ट्रेट अवे तुमको मिल जाएगा ओमेगा कितना है 15, के कितना है 1, के इक्वल टू 1। अब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे टेंशन चाहिए था, टेंशन में क्या लगने वाला है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है एन लैम्डा, तो एन लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा आपको, व्हाट इज ओमेगा 2πn, तो व्हाट इज n 15/2π, व्हाट इज k 2π/λ, तो व्हाट इज लैम्डा 2π, तो n मिल गया लैम्डा मिल गया तो फिर वेलोसिटी मिल जाएगा, व्हाट इज वेलोसिटी n लैम्डा दैट इज 15/2π इंटू 2π मतलब 15, हो गया आंसर 0.225 आएगा ये, क्यों, क्योंकि टेंशन क्या था एम वी स्क्वायर, एम कितना है 10^-3, वी कितना है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये 10^-3 है तो 0.225 न्यूटन है, तो 0.225 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैव एम नोड्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, एन मोड और एम नोड जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं, पहले मोड में दो नोड होते हैं क्योंकि पहले मोड में एक ही लूप बनता है और जहां जहां स्ट्रिंग को तुमने टाई करके रखा है वहां पे नोड है,
दूसरे मोड में तीन नोड होते हैं, तीसरे मोड में चार नोड होते हैं, वो जानबूझ के वहां पे एम नोड्स बोला है। हाँ, तो नोड और मोड कंफ्यूज मत कर देना, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी, वेरी गुड, स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसको दो एंड पे फिक्स करके रखा है और उसमें एम नोड्स है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल नॉट सॉल्व दिस बाय एनी फॉर्मूला, वी विल सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो याद भी रहेगा आगे जाके। तो ये दो रिजिड सपोर्ट्स थे, अब आपको ये पता होना चाहिए पहले मोड में फंडामेंटल मोड में कितने लूप, कितने लूप, हाउ मेनी लूप्स, वन लूप, एक लूप तो कितने नोड्स, टू नोड्स और एक एंटी नोड। एंटी नोड की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उसके लिखेंगे भी नहीं। देन उसके बाद पहले ओवरटोन में हाउ मेनी लूप्स, टू लूप्स, तो टू लूप्स मतलब कितने, थ्री नोड्स, सेंटर में एक। उसके बाद नेक्स्ट मोड में उसके अगले मोड में कितने लूप, बस तीन लूप तक हम देखेंगे, बाद में फिर फॉर्मूला बना लेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नॉट फॉर्मूला। तो ऐसा है, तो यहाँ पे एक दो तीन और चार, और यहाँ पे थे तीन और यहाँ पे थे दो। आपको बोला है कि अगर एक स्ट्रिंग है उसमें एम नोड्स है तो उसका लेंथ कितना है, हमको चाहिए लेंथ। दिस इज द लेंथ, दिस इज लेंथ इन दिस केस, दिस इज लेंथ इन दिस केस। थोड़ा अगर अच्छे से सोचोगे तो यहाँ पे लेंथ जो है वो नोड टू नोड डिस्टेंस है, मतलब वो लैम्ब्डा बाई टू है। यहाँ अगर देखोगे तो लेंथ जो है नोड टू नोड टू नोड, लैम्ब्डा बाई टू और लैम्ब्डा बाई टू, लैम्ब्डा ना हाफ और हाफ, कितना, वन। लेकिन मैं इसको क्या देखूंगा, टू लैम्ब्डा बाई टू, जानबूझ के, ऑन इंटेंशन आई एम डूइंग दिस। यहाँ पे लैम्ब्डा बाई टू, लैम्ब्डा बाई टू, लैम्ब्डा बाई टू, लैम्ब्डा बाई टू। डू यू नोटिस जब दो नोड्स है, कितने नोड्स है, दो नोड्स है, तो लेंथ वन लैम्ब्डा बाई टू है। जब तीन नोड्स है तो लेंथ टू लैम्ब्डा बाई टू है। जब चार नोड्स है तो लेंथ थ्री लैम्ब्डा बाई टू है। जब पांच नोड्स होंगे, जब छह होंगे, तो इन शॉर्ट एम माइनस वन लैम्ब्डा बाई टू, एम माइनस वन लैम्ब्डा बाई टू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ 260 सेंटीमीटर इज सेट इन टू वाइब्रेशन, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 2:3:4, देयर लेंथ मस्ट बी। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है, टोटल लेंथ है कितना, 260 सेंटीमीटर है। इसको हमने तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन नंबर वन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है टू, मतलब 2:3:4 रेशो है, तो ये सेक्शन नंबर वन है, ये सेक्शन नंबर टू है, सेक्शन नंबर थ्री है। मैं अप टू स्केल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो लेंथ एट ऑल। इनफैक्ट उल्टा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा। तो 2:3:4 अगर बोल रहे हो
तो ये उल्टा मैंने ऐसा दिखाना चाहिए, सेक्शन नंबर 3 सबसे छोटा दिखाना चाहिए। ओके तो ठीक है, वो मैं ट्राई नहीं कर रहा, नॉट शोइंग एनीथिंग हियर, आई एम जस्ट शोइंग कि इसके 3 सेगमेंट्स कर दिए। तो रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसीज है 2:3:4। आपको पता है लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, तो फिर L1:L2:L3=1/N1:1/N2:1/N3। तो देयरफॉर L1:L2:L3=1/2:1/3:1/4। स्कूल लेवल मैथ्स, क्या करोगे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एलसीएम जीसीडी ऐसा कुछ सुना है क्या? हाँ तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, 12/2 6, 12/3 4, 12/4 तो लेंथ का रेशियो कितना है? 6:4:3। अब अगर आपको पता होगा तो L1 इज टोटल लेंथ का 6/x, वेर x इज कॉमन मल्टीपल नाम की चीज होती है, पता है? कॉमन फैक्टर पता है? कॉमन फैक्टर वो क्या होता है पता है? 6+4+, तो कितना आ गया? 30। इसलिए बोला ना स्कूल लेवल का मैथ्स चाहिए। एक कॉमन फैक्टर रेशोज में, एक कॉमन फैक्टर नाम की चीज होती है, वो होता है 6+4+3, दैट इज 13। ये हो गया L1। सिमिलरली अगर आप L2 देखोगे और अगर आप L3 देखोगे तो यहाँ पे चेंज होगा। L2 will be 6:4 था ना, तो 4। L3 यहाँ पे टोटल लेंथ था 260। एक काम करो और भी आसान हो जाएगा, L/x निकाल के रख दो, L/x निकाल के रख दो। L कितना है? 260, ये कितना है? 13। ये कितना आ गया? 20। 13 2 26, तो 13 20 260, तो 20 बराबर। तो ये L/x सीधे सीधे L/x क्या आ गया? 20। तो ये कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। 4 × 20 कितना? 80 सेंटीमीटर। 120 और 80, 200, तो बचा हुआ 60 इसके पास, क्योंकि 260 टोटल था ना। हाँ तो फिर 3 × 20 मतलब 60 60 सेंटीमीटर। तो 120 80 एंड 60, ऑप्शन नंबर डी, 120 80 एंड 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी अगेन, प्रोवाइडेड इफ यू नो बेसिक इक्वेशंस। अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y=0.03 sin π, पाई बाहर है, याद रखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2t−0.01x। ये m मतलब मीटर है, मतलब ऐसा यूनिट में है सब कुछ। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स 25 मीटर अपार्ट, 25 मीटर अपार्ट मतलब ये पाथ डिफरेंस है। दो पार्टिकल्स जिसमें पाथ डिफरेंस 25 मीटर है, उसमें फेज डिफरेंस कितना है? तो पहले पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस होता है 2π/λ × पाथ डिफरेंस। दूसरा ये पता होना चाहिए कि y=0.03 sin ऑफ पाए बाहर था, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, −0.01x था और पाए भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन, और आपको इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, विच इज a sin 2π। अभी तो बताया था 2π t, भूल गए, 2π nt होता है ये, भूल गए ना, ये 2π nt होता है, −2π x/λ होता है। अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले बताया था मैंने। फिर आप 2π कॉमन निकाल लेते हो, sin of 2π बाहर, nt−x/λ करते हो, करेक्ट? तो अब डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर लो कंपेयर। तो कंपेयर करने से क्या मिल गया? 2π/λ इक्वल टू
0.01 पाई, पाई को छोड़ मत देना, तो 0.01 पाई बस यही तो चाहिए था, क्योंकि व्हाट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा कितना है, 0.01 पाई है, ये कितना है, कितना है, 20 पाई, 20 पाई भी है ना, यू नो व्हाट, या तो इसको 10^-2 लिख लो, इसको 10^-2 लिखोगे तो नीचे जाके वो क्या हो जाएगा, 10^-2 + 2 मतलब 25/100 मतलब 1/4, तो पाई बाय फोर, नंबर सी डन, सो दैट्स इट फॉर टुडे।